आप सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर को मेरा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति में, मेरे भाई श्री नरेंद्र मेहता की उपस्थिति में, ये एक राजनीतिक मंच पर मेरा पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। भाजपा परिवार की सदस्यता ग्रहण करने के बाद तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और हम सब मोदी जी का परिवार है कि नहीं। तो मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मैं मोदी भक्त हूँ, पूरी तरह से मोदी भक्त हूँ। जब से मैं चुनावी समर में घूम रहा हूँ, चाहे हमारा मीरा भाईंदर शहर हो या महाराष्ट्र का दूसरा कोई भी शहर हो, जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है, अपना चुनाव मान के लड़ रही है। किसी को कुछ कहने का, किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि 2014 से थोड़ा कम लहर है, 2019 से थोड़ा ज्यादा लहर है। मैं बोलता हूँ अब लहर लाने का जरूरत ही नहीं है, जनता जान चुकी है, जनता भारत की जनता जाग चुकी है। अरे जो सोया रहता उसे जगाना पड़ता है। भारत की जनता 2014 में जाग चुकी है, अब उसे जगाने का जरूरत नहीं है, अब उसे जगाने का जरूरत नहीं है। एक यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के एक कौन से परिवार में पैदा हुआ, कौन से बैकग्राउंड से आया, उसने आके पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ा दिया, भारत का सम्मान बढ़ा दिया। हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे उत्थान के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, टेक्नोलॉजी में किस क्षेत्र में उन्होंने विकसित भारत का कल्पना हमको नहीं दिया। क्या अब भी भारत की जनता सोई रहेगी क्या? का प्रयास करता हूं। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, हमें मौका मिला है फिर से मोदी जी का ऋण चुकाने का। हम देशवासियों के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए जो जो मोदी जी ने किया है, उनका आज हम सबको मौका मिला है। मतदान के रूप में हम उनको फिर से विजयी बनाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी हो, इसके लिए नरेश मस्के जी को वोट देना है। मीरा भाईंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो संविधान खतरे में होगा, गद्दारों को माफ नहीं करना है। तो मैं उतनी बात करके अपनी बात को समापन करूंगा। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कोई दान होता है तो मतदान होता है। मतदान जीवन का सबसे महंगा दान है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, स्वयं के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना दान करने के लिए, मतदान करने के लिए। ये वही राजन बिचारे हैं जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए, आपका विश्वासघात किया, वोट मोदी जी के नाम पे लिए और जाके बैठे कांग्रेस के साथ। तो बताइए गद्दार कौन? ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है कि जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ जनता का विश्वासघात किया है। और जो जनता का विश्वासघात करता है उसे ना देश माफ करता है ना जनता माफ करती है। और कुछ लोग हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस के, वो कहते हैं बार बार हर भाषण में संविधान खतरे में है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही संविधान से आपको प्रेम थी, मोहब्बत थी, तो पूरे देश में आपने संविधान क्यों नहीं लागू किया, कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? और जिसने संविधान लिखा, ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जयावली जनची सरकार होती, केंद्र तंची सरकार, महाराष्ट्र तंची सरकार, महापालिका तंची सरकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जब पुतला मीरा भाईंदर में लगाने का था, 2 साल गोडाउन में बंद करके रखा। आपने जितना बड़ा पाप किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को 2 साल गोडाउन में रखा, उसे सम्मान पूर्वक विराजित करने का काम किया, तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है और हमने किया है। इसलिए हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए कि हमें कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। इस मीरा भाईंदर के अंदर बुद्ध विहार बांधने का, सारे कायदों के अंदर बदलाव करके अगर बुद्ध विहार किसी ने बांधने का किया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। इसलिए हमें कितना प्यार है। आज
मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? धनुष बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाली 20 तारीख को धनुष बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है, देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है, महाभारत का युद्ध सच चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे, दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था, वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरीपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रयत क्रांति है, ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है, राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।